शुक्रिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी? कैसी लगी? अच्छी थी। मतलब अच्छी नहीं लगी? नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। सब सियासतदानों जैसी थी। तुम नाराज हो? नहीं तो बहुत सोचा था मैंने जाने से पहले, लेकिन मुझे लगा यही कहना चाहिए था जो भी मैंने कहा। तुम्हारे अल्फाज तो नहीं थे, तुम्हें डिक्टेट किया गया था। बिल्कुल भी नहीं। पार्टी की वैल्यू वापस लाने के लिए सर्टन चीजें बोलना जरूरी थी। पार्टी के मेंबर्स और मैंने मिलकर डिसाइड किया था क्या बोलना है। किसी ने डिक्टेट नहीं किया था। सर्टेन चीजें नहीं थी, मैं ऐसी बहुत सी बातें बोली जो ना तुम कहते हो ना तुम्हारी सोच थी। तुम्हें लगता है मैंने झूठ बोला? हाँ, खुल के बोलो क्या कहना चाहती हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। देखो शामिल, वैसे तुम्हें इतना समझाना चाहती हूँ, कोई भी काम झूठ से शुरू नहीं किया जाता। तुम अपनी पार्टी की गलतियां एक्सेप्ट करो, उनको डिफेंड ना करो। शिप्रा, अगर मैं तुम्हारी बातें सुनने लगा ना, ये लोग मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सच बोलोगे ना, आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्ट कर लेंगे। तुम सिर्फ नेगेटिव हो रही हो। जिस मुल्क में लोग सिर्फ एक प्लेट बिरयानी पर अपने इलाकों के सरदार के कहने पे वोट देते हैं, उनको इमोशनल करके कहानी सुनानी पड़ती है, कुछ गलत नहीं है इसमें। और क्या गलत काम है? यही कि मैं अपने मुल्क की एजुकेशन पे फोकस करना चाहता हूँ, अपनी पार्टी का करप्शन खत्म करना चाहता हूँ। क्या मैं बिलीव नहीं करता इस बात पर? क्या झूठ था इसमें? सब तुम्हारी दुनिया की बातें हैं, तुम्हारी पार्टी की वोटर नहीं हूं। मुझे बेवकूफ मत बनाओ। और शमीर, अगर मैं ऐसा ही चलता गया ना तो तुम्हें खुद भी अंदाजा नहीं है तुम क्या बन जाओगे। ठीक है, केयरफुल रहूंगा नेक्स्ट टाइम।